अरविंद जी, बस एक सवाल आपसे इस पे करना चाहूंगी। देखिए, आपने सीएम फेस तो और स्टेट्स के भी अनाउंस किए थे। कर्नल कोडियाल अभी बीजेपी में है, गुजरात में अभी आपने इसुदन भाई का नाम अनाउंस किया है। अब हम क्या मान लें कि अगर थोड़ी अच्छे से चली नहीं कि इसुदन भाई फिर भाजपा पे नहीं पाए जाएंगे 6 महीने के बाद? देखिए, मैं चारण कम्युनिटी से आता हूं, जिसको गढ़वी कहते हैं, और हम सर कटवा सकते हैं लेकिन वफादारी में मेरा कोई ये, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि जब मैंने मनीष जी पे कमेंट की थी कि सिंधे नहीं है को बिक जाएंगे, सीएम तो क्या पीएम की भी ऑफर होती तो वो महाराणा प्रताप के वंशज है, किसी की ताकत नहीं वो पैसों से खरीद सकते। दूसरी बात, मैं जब पत्रकारिता में था तब भी मैं इतना लोकप्रिय था, लोगों के दिलों में था, नहीं था ऐसा नहीं था। मेरी जब आउटडोर शो होते थे ना, 10-10 हजार लोग सामने बैठे रहते थे, ये मैं आपको बताता हूं। और जब मैंने पत्रकारिता छोड़ी तब ऐसा नहीं था कि आम आदमी पार्टी से ही ऑफर था, दोनों और पार्टी से भी मुझे बताया गया था। लेकिन क्योंकि मुझे अच्छी शिक्षा के लिए काम करना है, मुझे काम की राजनीति के लिए, मुझे देखो हमें राजनीति नहीं आती है, राजनीति का रो नहीं आता है, हमका काम का को आता है, हम आप हमें काम बताइए हम काम कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जब मुझे फोन किया कि देखो आप अच्छे लोकप्रिय हैं और आपको अच्छी तरह से आम आदमी ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैंने कहा क्यों, तो क्या आप मुद्दे की पत्रकारिता करते हैं? मैं बेसिकली मुद्दों की पत्रकारिता करता था, कौन छोड़कर जाता उस पर मेरी डिबेटें होती ही नहीं थी। किसानों को क्या मिलने वाला है, क्रॉप इंश्योरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही है, ये मुद्दों की राजनीति थी। गरीब वंचित शोषित को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और तब अरविंद जी ने मुझे ये कहा कि सुदान जी आप यहां आइए, तब भी मुझे दोनों पार्टियां से ऑफर दी, मैं यहां से आपके आज तक से मंच से कहता हूं, मैंने तब भी कहा था कि मैं राजनीति करने के लिए नहीं आ रहा हूं, अगर मैं कुछ निमित्त बनूंगा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, गुजरात की जनता की पीड़ा मुझे देखी नहीं गई, इसलिए मैं राजनीति में आया था। और इसी के वजह से मैं आपको यह आश्वासन भी देता हूं कि कुछ चीजें ईश्वर पे भी भरोसा रखनी चाहिए। हम शुभ शुभ बोले, 27 साल का बीजेपी का कुशासन है, आप देख लीजिए 53 लाख किसान है परेशान है, वो थोड़ी वोट देंगे। इससे आगे 50 लाख बेरोजगार युवा है, एक पेपर लीक नहीं हुआ है, 10-10 पेपर लीक हुए और कोई मंत्री गया नहीं है। मैं यहां से गारंटी देता हूं कि अगर किसी की औकात नहीं है हमारी आम आदमी पार्टी में पेपर लीक का सोच सके, और अगर सोच लिया और गलती से भी पहली बार में अगर कुछ लीक किया ना, तो दूसरे दिन का सूरज नहीं होगा, वो जेल में होगा, आम आदमी पार्टी का मंत्री भी क्यों होगा। तो ये व्यवस्था के लिए हम राजनीति में आए। प्रचार कहां पर करेंगे आप, एमसीडी के भी चुनाव उधर अनाउंस हो गए? प्रचार जनता करेगी, गुजरात की 6.5 करोड़ जनता और दिल्ली की 2 करोड़ जनता, जनता पे भरोसा रखिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, उस दिन जब मैंने सीएम फेस के लिए गुजरात की हेल्पलाइन का अनाउंस किया, टेलीफोन लाइन, मैंने कहा इस नंबर पे आप फोन करके बताइए आपकी चॉइस क्या है, तो पत्रकार ने, एक ने मेरे से पूछा कि अगर किसी ने सीआर पाटिल का नाम बता दिया तो मैंने कहा जनता पे भरोसा रखिए, वो नहीं बताएंगे। तो जनता एमसीडी भी जिताएगी, जनता गुजरात भी जिताएगी, केजरीवाल की जरूरत नहीं है, जनता ही चुनाव लड़ेगी।